इसके साइज के हिसाब से नहीं लगाए गए, और दूसरा जो बेस बनाया गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया। इतने जो कॉन्ट्रैक्टर है हरियाणा सरकार में कहीं भी हो, अनक्वालिफाइड पर्सन है। ये एक बड़ी बात निकल के आती है, इसीलिए घटिया काम होते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं होते। पॉलिटिकल बेस हमारा ऐसा सिस्टम है जिससे फोन पे इनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ऐसा है घड़ी में 300 ही होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। घंटे वाली को छोड़ दो, मिनट और सेकंड बताओ कितनी देर में आ सकते हो। मैं आ जाऊँगा भाई साहब, 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। अगर एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट नहीं मिली तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अच्छा हो जाएगा तो मन से आएंगे। बिल्कुल नहीं, अच्छा ही होगा। अब नील नीचे अब की बार हिलेगी तो वो सोच ले ठेकेदार हिल गया, तेरी कोई पेमेंट कोई कुछ नहीं होगी। लोगों को फायदा भी तभी होगा जब ये प्रॉपरली वर्क करेंगी। तो अब आपने 15 तारीख का टाइम दिया है, ठेकेदार ने आपको दिया, आपने जनता को दे दिया। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के पृथ्वीराज चौहान के किले पर हूं और ठीक मेरे सामने नीचे एमटी झील दिखाई दे रही है, और हम ये चाहते हैं कि एमटी झील पर जाकर इसका रियलिटी चेक किया जाए, यानी कि ग्राउंड जीरो पर जाकर ये देखा जाए कि क्या व्यवस्था वाकई दुरुस्त है या अभी भी खामियाँ हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ सीधे एमटी झील पर चलते हैं। वैसे तो एमटी झील पर जाने के लिए रास्ता है, दिल्ली गेट की तरफ से सीधा रोड आता है, लेकिन किले से भी जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता है। एक तरह से ये मिनी ट्रैकिंग है, लोग पहाड़ों में जाके ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन आप यहाँ भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और इसी ट्रैकिंग के साथ ही हम भी एमटी पर जा रहे हैं और रियलिटी चेक करेंगे क्या मशीनें ठीक हुई हैं, नहीं हुई हैं, व्यवस्था क्या है। पार्क में हमें मिल गए हैं कमलेश गर्ग, समाज सेवी हैं और अग्रवाल विकास संगठन के बड़े पदाधिकारी रहे। इनसे चेक करवाएंगे कि वाकई ये डेली घूमने के लिए आते हैं तो मशीनें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। राम राम जी। देखो कमलेश जी, क्या हालत है इसकी? हालत वही है जी, ठीक हुई है नहीं हुई है? नहीं। नमस्कार जी। देखो जी, अच्छा ये तो उसी तरह हिल रही जैसे पहले हिल रही थी। कितनी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 में से सभी हिल रही है कि कुछ हिल रही है? नहीं, कुछ हिल रही है, 3-4 मशीनें हिल रही हैं। गोल साहब आपका फ़ोन देना एक बार। आपके पास विनोद सैनी का नंबर है? एक बार देखो। कोई भी की दबाकर इस गाने को कॉपी करें। शुरू करो। इस कॉल ट्यूब के लिए कॉल 123 हाय विनोद को खुशी है कि आपने उन्हें कॉल किया है। उनके जवाब देने तक सुनिए थोड़ा सा म्यूजिक। हेलो हेलो चेयरमैन साहब, सर्वेश भाई साहब। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? नमस्ते भाई साहब, ठीक है। अच्छा ऐसा है, हमने सुरेंद्र का नंबर था। हाँ नहीं, नंबर उन्हीं का है लेकिन आवाज़ मेरी है, उनके फ़ोन से मिला रहा हूँ। तो आप एक्चुअली ना, हम एमटी झील पे आए हुए हैं और एक बार आपकी ज़रूरत थी हमें यहाँ पे। आप देखो थोड़ा सा, मशीनें खूब हिली हुई है। उस दिन आपसे बात भी हुई थी, वो ठीक नहीं हुई अभी। अच्छा कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा भाई साहब, बताओ कब आना मेरे को। तो ऐसा है घड़ी में 3 सुई होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। घंटे वाली में छोड़ दो, मिनट और सेकंड बताओ कितनी देर में आ सकते हो। हम वेट कर रहे हैं। मैं आ जाऊंगा भाई साहब, 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाऊंगा भाई साहब। आ जाओ, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर करो। जब तक नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि एमटी झील पर आते हैं तब तक आपको योगा के कुछ टिप्स दिखा देते हैं। सुनील सैनी SDO हैं, वो यहाँ दे रहे हैं। मिनट में आ गए या लेट हुए हैं? आगे आओ चेयरमैन साहब, कोई नहीं, इसके सारे रियलिटी चेक करेंगे। आपका इंतजार हो रहा था ना, ये तो मैंने अभी घड़ी चेक करवा दी। मैंने कभी उनको फ़ोन किए 10 मिनट हो गए या 20 मिनट हो गए, कहते जी टाइम पे आ गए। हम ग्राउंड में चले गए थे, फिर मैं अच्छा कैसे हो तो सकता को नशे करने वाले लोग उधेड़ के ले गए। नहीं अभी कर सकते भाई साहब, फाउंडेशन हिल सकती है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2-3 तो ज़्यादा, 3 में ज़्यादा, बाकी हल्के हल्के। अगर पॉसिबल हो तो उसको ठेकेदार को बुला लो यहीं पे। और एक ये जो मेंटेनेंस है, जैसे भाई ये एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा है, ये सारा अभी बोला भाई इसको कब ये साफ करते हैं। और एक ये यहाँ पे है नहीं, ये फाउंडेशन तो बनी हुई है। हेलो नमस्कार ठेकेदार साहब, कहाँ हो आप? इधर एक बार यहाँ आ जाओ, पार्क में आ जाओ, एमटी झील पार्क में। हाँ आ जाओ एक बार, ये आपकी जिम मत भूल ले, वो जिम देखो आप क्या हो अभी। ठीक है आ जाओ। लाइट का क्या प्रोविजन है विनोद जी? लाइट का इसका कोई मीटर का पीछे का कोई मैटर था। अच्छा जो ये कनेक्शन इनका काट के गए हुए थे ना, फिर अब बीच वगैरह का वो कर दिया है। ठीक है अब जल्दी ही इसमें लगा देंगे, लाइटें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 6:30 बजे तक तो अंधेरा रहता है, लोग आ जाते हैं। अच्छा शाम को मतलब जैसे थोड़ी बहुत गर्मी आ रही है उसको भी डालने का और मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाए। लाइट तो बढ़िया लग रही है लेकिन जैसी एक दिन भी नहीं, इसको सारी लाइटें भी शुरू हो जाएगी हफ्ते 10 दिन हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी लाइटें। अच्छी बात है जी, हो जाएगी तो विनोद जी। और तो आपने पार्क में पहले ये खंडर पड़ा हुआ था, पार्क था पहले से, नगर परिषद ने इसका हमने काम संभाल की। मतलब आप तो सुबह घूमने जाते हो, सुबह शाम में लोग आएंगे कि हर हफ्ते जो है अलग पार्क में घूमने जाना है। चलो अलग पार्क में, ये अच्छा सुझाव है। इस माने वहाँ की मेंटेनेंस का पता लगे, सब भाइयों के विचार का पता लगे, जो तकलीफ हो वो आपको। अब मैं आगे ऐसे ही करूंगा, मैं 2 दिन तो जाऊंगा हुकुमचंद पार्क में और 1 दिन यहाँ आऊंगा और 1 दिन मैं किले पे भी आऊंगा। हाँ। ताकि मेरा भी सब्जी से मिलना जुलना भी रहेगा, कोई आपस में भी एक दूसरे का काम शहर के लिए हो, कोई अच्छी बता भी सके, बातें भी राय भी दे सके। और चेयरमैन सुनवाइए, आगे चेयरमैन का इलेक्शन लग रहा, सीधा लड़ लियो आप, पब्लिक में छा जाएगा। सीधी सी बात यह है भाई, चेयरमैन आने लग रहा है, सब चीज चेक कर रहा है, अपना तो ऑर्डर होना है, काम होना करना। भाई साहब मैं तो बिल्कुल आपका बड़ों का सहयोग है, मैं तो आप चाहूँ आप निकल के सामने आपके सामने आऊंगा बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी हमारा साथ दो। जो कोई दिक्कत है शहर के अंदर, कोई भी समस्या मिलकर दूर करवाऊंगा। काफी पौधे लगाए थे पानी के, एक बार बढ़िया हो गया था यहाँ पे, पौधे वगैरह लगाए थे लेकिन पानी की कमी की वजह से अब लाइट वगैरह पार्क में तो लोग आने लगता है। घूमने की जगह बन गई और बन गई। अरे मतलब यहाँ पे देखो आप घूम के शराब बोतल कितनी रात को बस अंधेरे शनिवार को संडे को तो मतलब जबरदस्त दारू पीते हैं। इसके लिए ना हमारे को 10 से 15 दिन का और टाइम चाहिए। हम इसका टेंडर कर रहे हैं, इसका जो कर्मचारी रहेगा ना इसके अंदर में चौकीदार का और उसका, फिर इसके मेंटेनेंस के लिए वो आ जाएंगे, बंदे आ जाएंगे। लाइट लगने से भी काफी अच्छा। उनकी भी चेयरमैन साहब लेडीज भी आई, उनकी उनकी सुन लो थोड़ी सी, वो बताएंगे। बेंच लगवा देंगे मैडम, और इसको भी हम जल्दी लगवाएंगे बेंचों को। डस्टबिन होना चाहिए किसी के, हाँ डस्टबिन और बेंच और एक लोहे का गेट, ये 3 चीजें की यहाँ पर दिक्कत है। ये तीनों ही जल्दी ही पहले 8-10 बेंच थे कम से कम। बाकी एक्सरसाइज करते हो अच्छा लगता हुआ। अच्छा तो ये आते हैं थोड़ा सुबह, जो कोई इसमें झूले में भी दिक्कत आई है ना, अभी ठेकेदार को बुला लिया, जल्दी दूर कर देगा उसको बुला। अच्छा हो जाएगा तो मन से आएंगे। हाँ जी, नहीं आप आइए मन से, आगे गर्मी आ रही है अब आगे। अब तो हमारी बॉडी की मजबूरी है ना, मैं आना पड़ता है। हाँ तो मैं 80% लोग मजबूरी में ही आ रहे हैं। अच्छा हो जाएगा तो मन से आएंगे। बिल्कुल नहीं अच्छा ही होगा, बिल्कुल सही। नहीं देखो ये मतलब ऐतिहासिक धरोहरों पर जैसे किला है, दरगाह है, एमटी है, ये एक बड़े नेम्ड हैं ऐतिहासिक सी जगहें हैं। इनको ठीक भी बनाया गया, पैसा भी खूब लगा, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस इनकी प्रॉपरली हो जाए। वो जो जिस पे आपने ये पैसा लगाया, ये पूरा पैसा लगाया, किसी ने सोचा नहीं था। अभी जिम पेड की जरूरत नहीं, आपकी ओपन जिम है, कोई भी आके फ्री में यहाँ पर जिम करे तो अच्छी बात है। लेकिन ये हिलते हैं, ये हिलना ही बंद हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें, जैसे वो महिलाएँ कह रही थी कि भाई मन से आएंगे फिर वो। अभी मैंने इसको ठेकेदार जो इसका है उसको मैंने अभी बुला लिया है, और इसको अभी आज या कल या 2 दिन के अंदर इसकी सारी जिम्मे ओके करवा देंगे। मैं चाहता हूँ भाई आज ठेकेदार यहाँ पे आ रहा है, आ जाएगा अभी 5-10 मिनट में, तो वो एक ना प्रॉपर बताए कि भाई 2 दिन में कर दूंगा, 2.5 दिन में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा, या मेरे बस का नहीं है जो भी है। तो वो लोगों को लगे भी हाँ टाइम बाउंड हुआ, आपको हमने फ़ोन किया, आपने कहा 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप 10 मिनट में आ गए, सबको अच्छा लग रहा है कि भाई चलो चेयरमैन ने फ़ोन किया था और वो वाकई आ गया। नहीं तो होते नहीं है, सुबह सुबह उठते नहीं लोग। मैं रनिंग के लिए पहुंच गया था, मैं समझ गया उस दिन आपको, मैंने वहीं पकड़ा था, वहीं से आ रहे हो गए आप, ठीक है। तो अभी वो ठेकेदार को सिर्फ ये बोलो कि भाई आप इसको टाइम से बताएं कि इतने दिन में ये ठीक हो जाएगी और ये हिलेगी नहीं, जो सबसे बड़ी। और तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं आज तक। टॉयलेट वगैरह अभी आ जाता है ठेकेदार, उससे अभी पूछ लेंगे, इनको पता है। कोई बाथरूम वगैरह, बाथरूम के लिए भी हमने रेजुलेशन पास कर दिए हैं, उनका टाइम धीरे धीरे करवा देंगे इसको। जब तो लेबर नहीं है, नहीं लेबर नहीं है, 2 दिन में करवा दो। आप ये सारी देखो हिल रही है, फाउंडेशन पेपर ले फाउंडेशन देखो, ये देखो सारी हिल रही है भाई दोस्त, ये उधेड़ के ही ले जाएगा। टाइम होगा मैडम जी यहाँ, हम तो ये तो मैं तो जब से आना शुरू किया ये चली नहीं रही है, इसमें ये प्रॉब्लम ही रही है इसकी है ना। इसकी है ना फाउंडेशन करवाओ दोबारा, ये भी खराब है, करवा दें। 2 दिन का टाइम दे सकते हैं, लेबर जारी करते हैं। 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम यहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख लो 2 दिन मतलब आज 11 तारीख होगी, बोल दूंगा इसको मैं 11 तारीख होगी, 14 तारीख 15 तारीख, हाँ जी 15 लास्ट होगी, 15 तारीख। एक ठेकेदार साहब आपने 1 हफ्ते के अंदर कोई भी पार्क हो हंसी शहर का, जहाँ जहाँ जिम लगी है वहाँ बिल्कुल मेरे को कंप्लीट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट नहीं मिली तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। कोई भी जिम कहीं भी कोई भी दिक्कत है, 1 हफ्ते के बाद यही मीडिया के सामने ही आप हर पार्क में चलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और ये आप 2 दिन की कह रहे हो, 2 दिन के अंदर। अच्छा इसमें दिक्कत क्या रही है, क्यों हिल रही है, लगाने में दिक्कत थी, क्या दिक्कत रही है, हिलती क्यों है ये? इसमें सर वो नट बोल्ट जैसे ये जी, ये नीचे से कई बार क्या फाउंडेशन भर देते हैं ना, तो गिल्ले पर चढ़ जाते हैं जी। अच्छा, करवा देंगे इसको भी। चलो ये फाउंडेशन का बताओ आप, ये तो वो करवाओगे इसके फाउंडेशन का बताओ। हमारे फाउंडेशन ये जो फाउंडेशन है ना, नीचे जो कंक्रीट की फाउंडेशन बनाई वो बिल्कुल चौरस बनाते हैं, बना रखी है। इसमें भी इधर 1/4 में ये लगे हुए चारों बोल्ट, और सेंटर नहीं किया, 2/3 खाली पड़ा है, सेंटर में नहीं है ये। करवा दे अंकल जी दोबारा, इसका तो सबसे बड़ा हिलने का कारण ये है ना, करवा दो। ये भी हमारे टेक्निकल में हैं, एफडी साहब हैं वहाँ से, पब्लिक हेल्थ में से ना, करवा देंगे। पूछ लो आपने कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो। ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये भी आपके अंडर का ही है, ये सारा मटेरियल पड़ा है। क्यों रखते हैं तो बात करने पर चली गई ना, करवा दी सफाई की उसको सारे को आवाज किया जी उठवाई हुई मटेरियल जो भी है उधर भी रोड। 2 दिन के बाद हम यहीं मिलेंगे। सीमेंट का कट्टा भी पड़ेगा भाई, वो छुटिया काम में ले ले नहीं लो भी रुक जाएगा, नेशनल लॉस है जो भी मटेरियल। तो ठीक है ना, एक भी नहीं नीचे ये देख लो जा सारे, वो देखो आप वो कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई साहब और कैसी आ रही है, करवा देंगे। हां ये देखो नीचे सारे फाउंडेशन 2 दिन के अंदर ओके होना चाहिए। ये भाई ये लगाए ना, ये समझो आप, ये समझो ये देखो ये नट आप देखो नट से आपको कुछ अंदाजा आ रहा है। मान लिया इसमें आपका कोई झूला लगा हुआ ये लगाए ये साइड में है ना, तो ये देख लो सारे अलग अलग ये इस कारण है, ये हिलने का कारण मेन क्यों हमने धक्का करके फिर इनमें फंसाया। तो ये ना जितनी 2-3-4 फाउंडेशन है इसको पाड़ ले दोबारा करवा दूं, सारी करवाओ के बिल्कुल। अब नील नीचे अब की बार हिल लगी तो नु सोच ले ठेकेदार हिल गया, ठीक है तेरी कोई पेमेंट कोई कुछ नहीं होगी, ठीक है तेरे को 10 दिन का पूरे आल पार्क का 10 दिन का टाइम है और ये 2 दिन का है, ये 2 दिन के अंदर ओके होना चाहिए। शुरुआत कर दे भाई, आज शुरुआत कर दो, ठीक है ना। आज 11 होगी मतलब 15 को आई तो फिट मिलेगा बिल्कुल, ये 15 को फिट मिलेगा। अरवोर पार्क आल पार्क जितने भी है सारे उड्डा मॉडल टाउन और लाला हुकुमचंद पार्क जो भी है हंसी के अंदर जिसमें भी लग रही है 10 तो जिम लगी है लगी होंगी, ठीक है ना, ठीक है सर करवा दी ओके। क्योंकि काम का पैसा लगा फिर दिखता नहीं है, यही वजह है कि जो पैसा भी लग रहा है और वो नजर नहीं आता क्योंकि ये भी करा दिया लग भी गई और पब्लिक से भी वो है फिर फायदा भी चीज का, फिर आप ठेकेदार की चीज के हो जो जमीन लेंगी तो आपकी चलो मान लिया तो मोरल भी कहता होगा कुछ, तो अपना मोरल भी कहता होगा। इतना नहीं, हम भी नागरिक हैं, आप भी शहर के नागरिक हो, ये बात तो नहीं। अगर आपका ठेकेदार में फाउंडेशन में किसी ठेकेदार को दिक्कत है तो आप उसका देख के उसको दूर करवाओ। आपका तो ये टोटल का 1% भी नहीं है और ये दोबारा मेंटेन होगी, ये जितनी हिल रही है ना इनमें सारी ओके करवा दो, दोबारा ओके करवा दें सभी को जी। एक उसका नेट लगवा दियो भाई, ठीक है जी। 15 तारीख को यहाँ फिर मिलेंगे जिम के साथ में। चलो और भाई साहब आपका पार्क का कुछ और है तो देखो आप भाई साहब पार्क आपने देखा। अच्छा और भी कोई समस्या है पार्क की तो बताओ गोयल साहब, आप कुछ बता रहे थे। 10 तो बेंच, हाँ जी टॉयलेट, अच्छा बेंचेज हैं और एक जो मेन गेट लग जाए ये 3-4 जो आपके जो बेंच हैं बेंचेस साहब वो लगवाओ जो नए डिजाइन में आए हैं, पुराने डिजाइन वाले नहीं। हाँ नए डिजाइन के ही बेंच लगवाएंगे, जो नए डिजाइन में अब जो आया है जो उस पे लगवाओ ताकि वो नए डिजाइन आए है ना वही बेंच यहाँ पे 10 से 15 बेंच यहाँ पे हम लगवाएंगे पार्क के अंदर, ताकि कोई भी पब्लिक आए उसको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो। और गेट की बात रही, गेट भी हम इसको जल्दी ही गेट भी 10 से 15 दिन के अंदर गेट भी लग जाएगा यहाँ पे एंट्री पे, जो पशु वगैरह अंदर आते हैं वो नहीं। एक चौकीदार की कोई व्यवस्था हो जाए यानी कि रोशनी हो जाए और चौकीदार वाली भी हम अब इसका टेंडर कर रहे हैं, चौकीदार का भी है और इसके अंदर जो माली है उसका भी है मेंटेनेंस का, आल पार्क का कर रहे हैं पूरी हांसी का, ताकि उनके अंदर जो पार्क की मेंटेनेंस के बिना भी कुछ नहीं है ये भी हमें पता है। अब हमने इसका रेजुलेशन कर दिया था मीटिंग में। लोगों को फायदा भी तभी होगा जब ये प्रॉपरली वर्क करेंगी। तो अब आपने 15 तारीख का टाइम दिया है, ठेकेदार ने आपको दिया, आपने जनता को दे दिया, तो ये माने के 15 तक। हाँ 15 तारीख तक ठेकेदार ने, 15 मार्च है ना, हाँ 15 मार्च का ठेकेदार ने टाइम दिया है और 15 तारीख को ही यहीं मिलेंगे। मैं भी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से ही मैं हर पार्क में जाऊंगा, अब धीरे धीरे करके सारे पार्कों में जाऊंगा जहाँ जहाँ आप जाओगे, नहीं तो हम बुला लेंगे आपको। हाँ नहीं जहाँ आप बुलाओगे, हमने आपसे वादा किया था जहाँ भी आप बुलाओगे हम आएंगे। आज भी आपने फोन किया तो आपके 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे आज आपने वाकई प्रॉपरली आप 10 मिनट में आ गए, आपने 12 मिनट भी नहीं होने दिए, इसके लिए आपको बधाई है। आपने रिगार्ड किया और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ। आप समय पे जाएंगे, समय पे लोगों की समस्याएं दूर करेंगे तो ठीक रहेगा और हम भी इसी तरह से रियलिटी चेक करते रहेंगे और आपको भी लगता है कि कहीं पर इसी तरह की चेकिंग की ज़रूरत है या आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी जो भी बात है, आपकी मन की जो बातें हैं वो शेयर ज़रूर करें और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें और अगले इसी तरह के रियलिटी चेक में फिर आपसे जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।